नादेश्वर बाबू, अयोध्या बाबू, गायत्री परिवार से आए अतिथिगण तथा युवा प्रकोष्ठ की बड़ी और पावरफुल सेना जो सामने बैठी हुई है, मैं काफ़ी समय से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, थोड़े ही स्तर पर जो है, बहुत मैं डीपली नहीं इसमें हूं, लेकिन मैंने देखा है कि ये सेना बहुत ही बड़ी है और बहुत ही ताकतवर है। बहुत पहले मैंने कोशिश किया था मैंने कि गांधी मैदान को साफ किया जाए, तो मनीष और इनके साथी आते थे मेरे पास में, तुरंत तैयार हो गए कि 200 बच्चे रोज वहां जाएंगे और साफ करेंगे। वो कार्यक्रम हुआ, थोड़ा हल्का सा हुआ, तो सेना बड़ी पावरफुल है, जो उसका अभी जो फल है हम लोग दिख रहा है, आज हम लोग सुनने को मिला हम लोग को। तो आज इस पवित्र दिवस पर मुझे आने में बहुत खुशी यहाँ पर है, विशेषकर इसलिए कि उन शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है जो समाज के अंडर प्रिविलेज हैं, जो वंचित हैं सुविधाओं से, उनको उठाने का कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी सफलता मिली उनको है। मुझे बहुत खुशी है कि युवा प्रकोष्ठ सामाजिक कार्यों में काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है। मैं भी कुछ जानता हूँ इसके बारे में, जो पटना जंक्शन की बातें हो रही थी, मुझे ज्ञान इसके बारे में है कि वहाँ जो बच्चे हैं, लावारिस हैं, गरीब बच्चे हैं, जो चोरी के शिकार में फंसे हुए हैं, नशा करते हैं, चोरी करते हैं, मैंने सुझाव दिया शुरू में इन लोगों को, अगर आप लोग उन बच्चों को उससे बाहर निकाल सकें तो बड़ी खुशी होगी। युवा प्रकोष्ठ ने उसमें कोशिश किया है, सफलता मिली इनको है, काफ़ी बच्चे उससे अपने अपराध से बाहर निकले हैं और बिना हम लोग की किसी आर्थिक सहायता कार्य हो रहा है। जो बच्चे, जो लोग इसमें लगे हुए हैं, वे अपने स्वयंभू एफर्ट्स कर रहे हैं। हम लोगों ने खाली उसमें एक फैसिलिटेट किया है, जगह वहां दिया है और आप कहें कि थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया है, बहुत बड़ी बात है ये। आज शिक्षक दिवस है, आज शिक्षक दिवस पर कुछ शिक्षकों और कुछ पेरेंट्स के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। शिक्षक और पेरेंट्स, माता पिता का रोल एक बहुत ही बहुत बड़ा रोल है किसी भी छात्र बच्चे को संवारने में। कभी कभी हमने भी अपना अनुभव किया है कि अगर बच्चों को घर में कुछ कहा जाए ऐसे करो, तो उन्होंने कहा कि नहीं पापा, हमारे टीचर ऐसे बोलते हैं। तो टीचर का जो एक इमेज है बच्चों के दिल में, बहुत ही बड़ी है, बहुत प्रभावकारी है। आज की शिक्षा, जो विजय कुमार साहब ने कहा कि वो पैसे के लिए चल रही है, ये सही है। शिक्षा प्राप्त करना है, नौकरी करनी है, पेट भरना है, परिवार संभालना है, ये करना जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ में जो सामाजिक मूल्य हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, जो एक शिक्षा के साथ साथ उसको पाने से एक व्यक्तित्व को संपूर्ण रूप मिलता है, वह उतना ही आवश्यक है। एक अच्छा नागरिक बनना, एक अच्छे इम्प्लॉय के साथ साथ, वो भी जरूरी है। आज आप पा रहे हैं कि परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, समाज के डिफरेंट वर्गों में दूरियां बढ़ रही हैं, दंगे होते हैं, तनाव होते हैं, आपस में हम सबों का जो प्यार संबंध है वो भी कम हुआ चला जा रहा है, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता है। रेस्पेक्ट, आदर बड़ों का, अपने साथियों का, अपने पड़ोसियों का, अपने परिवार में लोगों का, वह कमी, बहुत कमी हो गई है। जो एक बात पहले भी आई, शर्मा साहब ने कहा था, सहनशीलता खत्म हो रही है। दूसरों के विचार, दूसरों के कार्य, दूसरों की बातें, उसको सहने की शक्ति पता नहीं क्यों कम हो रही है। ये सब के कारण क्या हो रहा है कि टकराव हो रहा है, परिवार में परिवार टूट रहा है,
समाज में समाज टूट रहा है। मैं पुलिस का कर्मी हूँ, मैं बहुत देखता हूँ किस प्रकार समाज में परिवार में कटुता फैल रही है, और कारण यही सब है। रिस्पेक्ट नहीं देना, आदर नहीं करना, प्यार नहीं करना, बातें नहीं सुनना। विचार में डिफरेंसेस होते हैं, अंतर होते हैं, लेकिन सुनने में क्या हर्जा है? सुनिए उसका उसका अपना आर्गुमेंट दीजिए आप, लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा है। इसके साथ साथ में जो ईमानदारी की बात करें, तो मैं आर्थिक पैसे की बात मैं कम कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ जो आपके दिल की ईमानदारी है, मस्तिष्क की ईमानदारी है। हम क्या कहते हैं, क्या मीन करते हैं, आप सब जानते हैं। कहते कुछ हैं, मीन कुछ और करते हैं। कर्तव्य निष्ठा नहीं है, जो कार्य मिला हुआ है उसी ईमानदारी से नहीं करते हैं। रिजल्ट यह होता है कि जो काम का जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वह नहीं मिलता है। यही ईमानदारी भी चली जा रही है। डिसिप्लिन, अनुशासनहीनता बढ़ी हुई है, सड़क पर हो, परिवार में हो, समाज में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कार्यालय में हो, आप आए दिन पाते हैं। आप ही हम करते हैं और कोई नहीं करता। तो अब हम आप अगर आप हा, आप हम में जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो अनुशासन तोड़ने में, नियम तोड़ने में मजा पाते हैं, ये सब क्यों हो रहा है? पहले तो नहीं था। जैसे जैसे आर्थिक इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, संपन्नता आ रही है, मेरा विचार से यह जो सामाजिक मूल्य हैं वो भी घटे जा रहे हैं, उनमें ह्रास हो रहा है। मेरा आग्रह है आप सभी से, विशेषकर पेरेंट्स से, जो माता पिता हैं और टीचर्स हैं, जो आज जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे युवा प्रकोष्ठ के कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं और वे समाज के जो वंचित लोग हैं उनको सामाजिक मूल्यों को देकर, शिक्षा को देकर आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा अनुरोध है, आग्रह उनसे है, इन सामाजिक मूल्यों को हम लोग लाएं उसमें, उनके में लाएं, क्योंकि पढ़ाई पढ़ने के बाद अच्छा एम्प्लॉई बन सकता है, अधिकारी बन सकता है, पैसा कमा सकता है, लेकिन नागरिक नहीं बन सकता है, इंसान नहीं बन पाएगा। जो इंसान की परिभाषा सज्जन ने गा के सुनाया था हम लोग को, वह इंसान नहीं बन पाएगा वो। और अगर राष्ट्र का निर्माण होना है, समाज का निर्माण होना है, तो इंसान ना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से हवा पानी की आवश्यकता होती है किसी फल और फूल को मिलने में, उसी प्रकार से मेरे विचार से सामाजिक मूल्य की आवश्यकता है किसी भी इंसान को एक संपूर्ण व्यक्तित्व देने में। इसलिए हम लोग संकल्प करें कि हम लोग शिक्षा के साथ साथ में सामाजिक मूल्य भी देंगे अपने बच्चों को, अपने छात्रों को, जिससे कि वो शिक्षा के साथ एक संपूर्णता प्राप्त कर सके। अंत में मैं आज उन सभी टीचर्स को बधाई देना चाहूँगा जो सम्मानित हो रहे हैं। जैसे मनीष ने शुरू में कहा था, सम्मानित तो हैं वो, आज तो केवल एक नोशनल उनको यहाँ सम्मान दिया जाएगा। जो व्यक्ति इस तरह के कार्य करते हैं वो सम्मानित तो हैं ही हैं ऑलरेडी वो। और मैं अपनी तरफ से युवा प्रकोष्ठ को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा जो उन्होंने ये कार्यक्रम किया है, और आशा करूंगा कि वे अपनी सेना के साथ में और बड़े कार्यक्रम करें। धन्यवाद।